तो देखिए, जहां थोड़े दिन पहले मुंबई और महाराष्ट्र में सियासी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं देश के बाकी हिस्सों में अभी आसमानी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। मुंबई की बात कर रहे थे तो देखिए, महाराष्ट्र के कई और जिलों में भी बादल संकट बनकर बरस रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी बारिश ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है, रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कहीं कार सैलाब में डूबे हैं तो कहीं बस बीच मझधार में फंसी हुई है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात कुदरत का कहर झेल रहे हैं। ताबड़तोड़ बरसते आसमान के साथ कहीं जिंदगी जलमग्न हो रही है तो कहीं पहाड़ टूटकर धराशायी हो रहे हैं। बारिश के साथ ही नदियों में उफान जिंदगी के लिए बड़ा संकट बन गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल की ये तस्वीर उसकी गवाह है। सोमवार को मछली पकड़ने गया एक युवक नदी में बाढ़ आ जाने के कारण बीच में फंस गया। 6 घंटे तक नदी के बीच में इस चट्टान पर वो बैठा रहा। SDERF की टीम ने सोमवार की रात टॉर्च की रोशनी में रस्सी के सहारे उसे सही सलामत नदी के बाहर निकाल लिया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में जोरदार बारिश की वजह से पानी घरों में घुस गया। मौके पर पहुंचे नगर निगम आयुक्त चंद्रशेखर शुक्ला और SP तरुण नायक घरों में भरे पानी को खुद बाल्टी में भरकर बाहर फेंकते नजर आए। करीब 1 घंटे हुई जोरदार बारिश के बाद सागर शहर पानी पानी हो गया था। सड़कें पानी से लबालब हो गई थी। घरों में करीब 3 फीट तक पानी भर गया, जिसकी वजह से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए। राजकोट के लोधिका में 2 घंटों में 4 इंच बारिश से विकास की पोल खुल गई। लोधिका में बिजली के तार ठीक करने गई मजदूरों की टीम इस तरह पानी के बहाव में फंस गई कि स्थानीय लोगों ने मजदूरों को रस्सी से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। तकरीबन आधे घंटे तक ये कार पानी के बहाव में रही। स्थानीय लोगों ने रस्सी की व्यवस्था कर कार में फंसे सभी मजदूरों को पानी से कार समेत बाहर निकाला। दूसरी ओर गोंडल में करोड़ों के खर्च से अंडर ब्रिज बनाया गया है, मगर बारिश के समय यहां से गुजरना जानलेवा हो जाता है। यहां के लालपुल ब्रिज में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बस इस कदर पानी में फंसी कि ना तो कोई बस से उतर सकता था और ना ही बस आगे बढ़ सकती थी। बस फंस जाने के बाद गोंडल सैनिटेशन टीम ने बस में फंसे सभी छात्रों को सुरक्षित निकाला, वहीं बस को धक्का देकर बाहर निकाला गया। उधर गुजरात में भी भारी बारिश के बाद कई जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। कच्छ के मांडवी में पिछली रात हुई भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। भारी बारिश के चलते नदी नाले पूरी तरह पानी से भर गए हैं। खेत खलियान से रिहायशी इलाकों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सबसे गंभीर हालात गुजरात के आणंद में है। भारी बारिश के बाद यहां के कई इलाके जलमग्न हैं। NDRF ने कमान संभाल रखी है। उधर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिपलून में सोमवार को भारी बारिश हुई। दिन भर की मूसलाधार बारिश के बाद चिपलून शहर में कई जगहों पर पानी भर गया। हाईवे पर DBJ कॉलेज और कापसल में बाढ़ के कारण यातायात पूरी तरह से रुक गया। 1 से 1.5 फीट पानी से वाहनों को निकाला जा रहा था। कुल मिलाकर पहली बारिश ने चिपलून में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने चिपलून को लेकर अफसरों को पूरी ताकत से राहत और बचाव के निर्देश दिए हैं। NDRF की एक टीम चिपलून और दूसरी टीम महाड़ में तैनात है। रत्नागिरी में ही राजापुर तालुका में अर्जुना और कोतवाली नदियों ने चेतावनी के स्तर को पार कर लिया है। इससे नदियों में बाढ़ आ गई और राजापुर शहर में बाढ़ का पानी भर गया। इस साल पहली बार जवाहर चौक पर बाढ़ का पानी आया है। जामदा नदी के बढ़ते पानी को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। आज तक ब्यूरो।